हेलो दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल फैक्टर एचडी में। अच्छा दोस्तों, बचपन में आपसे भी कई बार पूछा गया होगा कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे। आप शायद डॉक्टर, इंजीनियर या आर्किटेक्ट बोलते रहे होंगे, लेकिन आज के दौर में काम करने की परिभाषा ही बदल गई है। आज के इस वीडियो में आपको दुनिया की कुछ ऐसी नौकरियों के बारे में बताएंगे जो कि बहुत ही अजीबो गरीब है, एंड आई एम श्योर कि आपने अब तक इनके बारे में कहीं नहीं सुना होगा। जानना चाहते हैं कि वो कौन सी जॉब्स हैं, तो यार इस वीडियो को ना अंत तक देखना, ठीक है। लेकिन ब्रो, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले पता है ना आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हाँ, सबसे जरूरी काम, बगल वाली घंटी को भी दबाना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, फिशिंग फॉर साइकिल। कहते हैं एम्स्टर्डम में लोग गाड़ी से ज्यादा साइकिल चलाने के शौकीन होते हैं। ऐसा माना जाता है कि लगभग 2 मिलियन साइकिल सवार एम्स्टर्डम में रहते हैं। इन 2 मिलियन साइकिलों में से बहुत सारी तो यहाँ की एम्स्टर्डम नदी में गिर जाती है। माना जाता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग अपनी साइकिल एम्स्टर्डम नदी के बगल में खड़ी करते हैं, और कई लोग पुरानी साइकिलों को इसमें फेंक देते हैं। अगर आंकड़ों की माने तो लगभग 15,000 साइकिल हर साल नदी से बाहर निकाली जाती है। ये काम अब इतना बढ़ चुका है कि नदी से साइकिल निकालने का जॉब अब यहाँ परमानेंट जॉब बन गया है। नंबर टू, पेशेवर धक्का देने वाला। दोस्तों, जापान के लोग बड़े मेहनती होते हैं और वहाँ समय पर काम पर पहुँचना बहुत जरूरी है, इसलिए सुबह जब मेट्रो में बहुत भीड़ होती है ना, तब कुछ लोग मेट्रो में धक्का देने का काम करते हैं। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो, मगर हाँ ये सच है। आप इन्हें पेशेवर धक्का देने वाले भी कह सकते हैं। वैसे राजीव चौक पे तो ये फ्री में हो जाता है। नंबर थ्री, किराए पे हम सफर। आजकल दुनिया इतनी तेजी से विकास कर रही है कि लोगों के पास समय ही नहीं अपनों के लिए। अब ऐसे में कई सारे लोग अपना कुछ समय अपने खास के साथ बिताना चाहते हैं। टोक्यो में लोग किराए पे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना रहे हैं और बदले में अच्छी खासी रकम भी कमा रहे हैं। वही जापान की बात ही निराली है। नंबर फोर, चीन में नकली व्यापारी की नौकरी। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन चीन में नकली बिजनेसमैन खरीदे जाते हैं। इस काम के लिए व्यक्ति को गोरा, सुंदर, विदेशी होना चाहिए और उसके पास एक अच्छा साफ सूट भी होना चाहिए। माना जाता है कि चीन में नकली बिजनेसमैन खरीदने का काम बड़े ही धड़ल्ले से चलता है। विदेशी कंपनियां जो चीनी निवेशकों के आगे एक अच्छी पहचान बनाना चाहती हैं, वो ऐसा करती हैं। इसके पीछे की वजह ये मानी जाती है कि अच्छे सुंदर लड़के कंपनी का चेहरा बनके निवेशकों के सामने आते हैं, और इस बात से एक चीज तो क्लियर है कि चीनी लोग 100% झूठे होते हैं। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जरा ये बताइए ना कि आप किस शहर गांव से हमारी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में बताइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर फाइव, पेशेवर लाइन में खड़े होने वाला। देखिए, लोगों के पास हमेशा समय की कमी होती है, तो कौन लाइन में खड़े होकर फिल्म की टिकट खरीदे, है कि नहीं? इसके लिए आप पेशेवर लाइन में खड़े होने वाले लोगों को काम पे लगा सकते हैं। वो आपकी जगह किसी भी लाइन में कितनी ही देर खड़े हो जाएंगे, जब तक आप उन्हें पैसे दे रहे हैं वो खुश हैं। नंबर सिक्स, डिओड्रेंट टेस्टर। मुंबई लोकल में सफर करने वालों को पता होगा कि शरीर की दुर्गंध कितनी भयानक हो सकती है, पर कोई बात नहीं, पेशेवर डिओड्रेंट टेस्टर को काम पे लगा सकते हो। इन लोगों का काम होता है ये चेक करना कि डिओड्रेंट ठीक से अपना असर दिखा रहा है या नहीं। बस ये कि इसके लिए उन्हें लोगों की बगल को सूंघना होता है। अरे यार, ऐसा जॉब लोग कैसे कर सकते हैं। नंबर सेवन, वाटर स्लाइड टेस्टर। दोस्तों, वाटर पार्क में तो आप जरूर गए होंगे, कितना मजा आता है ना उन बड़ी बड़ी स्लाइड से नीचे आने में। जानते हो, कुछ लोग ये काम अपनी रोजी रोटी के लिए करते हैं। वाटर स्लाइड टेस्टर्स का काम होता है ये देखना कि वाटर पार्क की स्लाइड्स ठीक से काम कर रही है कि नहीं, और लोगों को उससे खतरा तो नहीं है। इसके लिए वो दिन भर स्लाइड पे ऊपर नीचे करते रहते हैं। सही काम है ना, मजे के साथ रुपया भी मिल जाता है। नंबर एट, पेशेवर सोने वाला। ये सपना सा लगता है ना कि सोने के लिए भी कोई पैसा दे सकता है क्या, लेकिन ये सच है। वैज्ञानिक अपनी रिसर्च के लिए पेशेवर सोने वालों को रुपए देते हैं। उन्हें बस आराम से सोना होता है, और वैज्ञानिक नींद से संबंधित बीमारियों की रिसर्च उन पे करते हैं। क्या बात है यार, सोना और साथ में पैसे भी मिलेंगे। क्या आप ऐसा जॉब करना चाहेंगे, बताइए ना कमेंट बॉक्स में। खैर, आप हमें इतना बताइए कि आपको इनमें से अगर कोई नौकरी मिले तो आप कौन सी नौकरी करना चाहेंगे। अपना जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो ब्रो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।